आइरीना की तरह डीमा को भी उतरते हुए अपनी रफ्तार कम करनी जरूरी है ताकि उन्हें चोट न लगे। अपने हाथ पैर फैलाकर अपना रोटेशनल इनर्शिया बढ़ाकर वो अपने शरीर की रफ्तार इतनी कम कर लेते हैं कि आराम से उतर सके। और ये सबसे भयानक खेल डीमा उसकी तैयारी कर रहे हैं। वो इससे कूदेंगे और फिर गड्ढे पर उतरेंगे इस एक पैर वाले डंडे पर सवार होकर। क्या क्या कहा? डीमा जब तक अपनी तैयारी करे हम जरा धरती के नजदीक चलते हैं। वाह, आप पैरों से भी करामात दिखा रहे हैं। जी हाँ। हमारे वॉक प्रेमियों को चैड टेलर जरूर याद होंगे। उन्हें हम कैसे भूल सकते हैं, वो चेन सौ की बाजीगरी करने वाले कलाकार। चैड की शानदार और अचूक बाजीगरी देखकर हमने दो बातें सीखी। एक तो ये कि बाजीगर को वक्त का बिल्कुल सही अंदाजा रखना पड़ता है, और दूसरा ये कि वो एक पल के लिए भी गेंद से नजर नहीं हटा सकते, या फिर यहां पर चेन सौ से। और अब जानते हैं एक और सबक के बारे में। सर्क डू सोलेई के बिग टॉप के नीचे हम मिले एंथनी गैटो से। वो भी चैट की तरह ही सिर फिरे हैं, पर उनसे जरा अलग है। ओ, वो रहे। गैटो को बेहतरीन बाजीगर माना जाता है और ये शायद इस ग्रह के सबसे महान बाजीगर हैं। इनके नाम कई विश्व रिकॉर्ड हैं। ये 7 गेंदों को 10 मिनट तक लगातार हवा में उछाल सकते हैं और 9 गेंदों को लगातार 350 बार उछाल सकते हैं। दुनिया में ऐसा करने वाले ज्यादा लोग नहीं होंगे और इतना नियंत्रण रखने वाले बिल्कुल भी नहीं। और ऐसे लोग सिर्फ हवा में ही मिलते हैं। शायद जो लोग न्यूटन की भौतिकी में दिलचस्पी रखते हैं वो जरूर जानते होंगे कि एक गेंद हवा में जितना वक्त बिताती है वो उछाल की ऊंचाई के वर्गमूल पर निर्भर होता है। पर इस गणित की जटिलता में न पढ़कर इतना कहना काफी होगा कि 9 गेंदों को एक साथ लगातार हवा में उछालने के लिए एंथनी को उनमें से हर एक की रफ्तार और ऊंचाई को लगातार बदलते रहना पड़ता है। यकीन नहीं होता। छल्ले, कोई कोशिश करेगा? अब मैं एक और भी मुश्किल खेल दिखाने की कोशिश करूंगा। एक गेंद को अपने माथे पर टप्पा दिलाते हुए 7 छल्ले उछालूंगा और नीचे भी 5 छल्लों से खेलते हुए गेंद को सर पर उछालूंगा। ये मजाक कर रहे हैं ना? शुरू करता हूँ। आप शायद ऐसा सोचें पर नहीं, हम इसकी रफ्तार बढ़ाकर नहीं दिखा रहे, हम इसे धीमा जरूर कर सकते हैं। वाह, और बॉल अब भी टप्पा खा रही है। ये देखिए, 500 फ्रेम प्रति सेकंड पर। इस उछाल में सिर्फ 2 डिग्री की गलती से भी गड़बड़ हो सकती है, पर एंथनी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, सबको 7 में उछालने के बावजूद। याद है डीमा, वो हैरतअंगेज कलाबाज? वो अपने क्लोजर और आर शो के आखिरी करतब के लिए तैयार है। अच्छा चलिए, अब सब ध्यान से देखिए, सब ध्यान से देखिए। ये जिम्नास्ट खुद को एक ही स्टिल्ट पर बांध लेते हैं। डीमा 2 बार घूमकर कलाबाजियां खाएंगे और वो भी एक अकेले डंडे पर। मजाक तो वो इससे कूद कर गद्दे पर उतरेंगे और वो भी इस डंडे पर खुद को बांधकर। बढ़िया। वाह, बहुत खूब। यकीन नहीं होता, बहुत खतरनाक है। चलिए फिर देखते हैं। इस करतब के कई राज हैं। ध्यान दीजिए, इनके आसपास जो कैचर या पकड़ने वाले हैं वो लगातार अपने गद्दे की जगह बदलते रहते हैं और डीमा की हर एक हरकत पर नजर रखते हैं।
ध्यान से देखिए डीमा अपनी रफ्तार बढ़ाने के लिए कैसे अपने हाथ छाती के पास समेट लेते हैं। फिर दोबारा हाथों को फैलाकर उतरते वक्त रफ्तार कम करते हैं और कैचर एन उनके नीचे गद्दे को छोड़ देते हैं ताकि झटके का असर कम हो जाए। आपको अपने पैरों के लिए उतरने की जगह नहीं ढूंढनी है, जल्दी डंडे के लिए जगह ढूंढनी है। हाँ, तो छोटे से लगभग 5 डिग्री के कोण पर उतरते हैं थोड़ा उठाने के लिए, वापस घूम जाते हैं। जी जी। तो दोस्तों क्या ख्याल है घर से भागकर सर्क डू सोलेई में भर्ती होने के बारे में? इंसानी क्षमता का इन हदों तक जाना हर एक के बस की बात नहीं होती। हो सकता है कि हम इन्हीं हदों की सीमा में बंद कर रह गए हैं।